नमस्कार दोस्तों, मैं मोबाइल खरे। आप सभी देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट एकेडमी पॉइंट। टैलेंट एकेडमी पॉइंट में सभी का स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को आज टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर में। टॉपिक लेके आए हैं प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर और टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको मैं आज वर्ब बता रहे हैं, मतलब कि प्रीपोजिशन में जो वर्ब्स यूज किया जाता है ना, उनके बारे में आप बता रहे हैं। और उन वर्ब्स की आज मैं आपको हिंदी में मीनिंग जो थी वो मीनिंग लिखी है उनकी आपको हिंदी मीनिंग बताएंगे। और जो मीनिंग है उसमें जब प्रीपोजिशन में वो मीनिंग ऐड करते हैं तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा उसका जो उसको कनेक्ट करने पर जो अर्थ निकलता है वो भी मीनिंग आपको आज हम बताएंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर। देखिए तो पहला वर्ब मीनिंग है एडमिट। अब देखिए एडमिट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना। स्वीकार करना। अब देखिए एडमिट का हिंदी मीनिंग हो गया स्वीकार करना। अब एडमिट में जब अपन लोग इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन में ऐड करेंगे, मतलब वर्ब और प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे, इंग्लिश ग्रामर बनाएंगे, एक अर्थ बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब उसमें वहां पर अर्थ कौन, मतलब प्रीपोजिशन को क्या लेंगे अपन, वहां पर मान लो ऑफ ले लिया। क्या ले लिया अपन ने? ऑफ। अब अपन ने ऑफ ले लिया कि एडमिट ऑफ। अब एडमिट ऑफ ले लिया तो इसका जो अर्थ सेंटेंस बनेगा उसका अर्थ क्या निकलेगा, उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज। इसी प्रकार से अपन लोग दूसरी मीनिंग लिख देते हैं। तो अपन ने सेकंड मीनिंग ली है एग्री। क्या ली है? एग्री, ए जी आर डबल ई, एग्री। अब एग्री का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सहमत होना। एग्री का हिंदी मीनिंग होगा सहमत सहमत होना। अब देखिए एग्री का हिंदी मीनिंग हो गया सहमत होना। अब एग्री एक वर्ब है, वर्ब है ना। अब एग्री को अपन लोग इंग्लिश सेंटेंस में बनाएंगे तो ये प्रीपोजिशन ऐड करना है, तो अपन लोग प्रीपोजिशन इसमें ऐड करेंगे अपन लोग विच। अपन ने विच ऐड कर दिया। अब एग्री के साथ अपन लोग प्रीपोजिशन विच ऐड करते हैं तो उसका जो सेंटेंस बनेगा उसका मीनिंग क्या होगा, अ पर्सन। Okay, अब तीसरी मीनिंग ले लेते अपन लोग अराइव, ए डबल आर आई डी ई, अराइव। अराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना। मतलब होता है पहुंचना। अब देखिए अराइव एक वर्ब से और प्रीपोजिशन मान लो इसमें क्या ऐड करेंगे अपन लोग, अपन ने तो ऑफ एडमिट यूज कर चुके है ना, अपन लोग एग्री में एड यूज कर चुके। अपन एक काम करते हैं अराइव में अपन लोग एड यूज करते हैं, एड। अगर अपन लोग प्रीपोजिशन में मतलब वर्ब में है, वर्ब क्या है यहाँ पर, अराइव है, और प्रीपोजिशन यहाँ पर क्या लिया अपन ने, एट ले लिया। अब अराइव और एट को मतलब कि एक सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब और प्रीपोजिशन मिला के सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी मीनिंग क्या होगा, अ बिगर प्लेस। अ बिगर प्लेस।
ओके। अब जैसे कि अपन लोग चौथी महीने लेते हैं, चौथी बर्थ महीने ले लेते हैं, आपने ले लिया मान लो एक्ॉर्ड, ACORD, एक्ॉर्ड। अब एक्ॉर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा? एक्ॉर्ड का हिंदी मीनिंग होगा राजी होना। एक्ॉर्ड का हिंदी मीनिंग हो गया राजी होना। अब देखिए अपन लोग एक्ॉर्ड में प्रपोजिशन अपन लोग बिच लगा देते हैं, अपन ने एक्ॉर्ड एक वर्ब है और प्रपोजिशन अपन ने बिच ले लिया है, अपन लोग वर्ब और प्रपोजिशन को ऐड करते हैं, मतलब कि एक्ॉर्ड बिच उसका सेंटेंस बनेगा, उसका मीनिंग क्या हो कहलाएगा? समथिंग। ओके तो आप फिर से देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एडमिट हो गया ना, एडमिट। एडमिट क्या है? वर्ब है। एडमिट का हिंदी मीनिंग क्या है? स्वीकार करना। ओके अब स्वीकार करना हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन क्या हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया है ना, मतलब प्रपोजिशन मैंने ऑफ ले लिया है यहाँ पर प्रपोजिशन, तो ये वर्ब प्रपोजिशन को अपन लोग एड कर रहे हैं एडमिट ऑफ, तो उसका सेंटेंस बनेगा, उसका मीनिंग क्या कहलाएगा? एक्सक्यूज। ओके सेकंड क्या लिया अपन ने? एग्री। एग्री का हिंदी मीनिंग क्या होगा? सहमत होना। ओके अब यहाँ पर अपन ने प्रपोजिशन ले लिया, अपन ने विथ ले लिया था यहाँ पर, तो देखिए और एग्री सहमत होना के साथ अपन ने एग्री विथ, तो एक उसका सेंटेंस का हिंदी मीनिंग मीन्स क्या निकलेगा? मीनिंग क्या निकलेगा? अ पर्सन है ना। अब देखिए अब यहाँ पर अराइव है, अराइव मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग? पहुंचना। क्या हुआ? अराइव मतलब पहुंचना। अब यहाँ पर ने एट लिया था। अब देखिए अब यहाँ पर अराइव एट पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? अब बिगर प्लेस, मतलब कि अपन लोग पहुंच रहे हैं, तो कहाँ पहुंच रहे हैं? एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर पहुंच गए हैं है ना, तो एट तो अब बिगर प्लेस, तो अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब राजी होना। ओके अकॉर्ड मतलब राजी होना। अगर अकॉर्ड में अपन लोग प्रपोजिशन विच ऐड करते हैं, क्या करते हैं? प्रपोजिशन विच ऐड करते हैं, तो अकॉर्ड विच को सेंटेंस की तरीके से मीनिंग देखेंगे तो होगा समथिंग, तो कुछ उसमें अपन ऐड कर सकते हैं आगे। ओके तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे यहाँ पर ही एम है, फिफ्थ कौन सा है? एम है, तो एम का हिंदी मीन्स क्या होगा? एम का हिंदी मीन्स होगा लक्ष्य बनाना। क्या होगा हिंदी मीनिंग? एम का मीन हिंदी मीनिंग होगा लक्ष्य बनाना। देखिए एम का हिंदी मीनिंग होगा लक्ष्य बनाना। अपन लोग एम तो एक वर्ब से वर्ब है ना, एक एम तो वर्ब में अपन को प्रपोजिशन जोड़ना है, तो एम में अगर प्रपोजिशन जोड़ेंगे तो अपन लोग इसमें अपन प्रपोजिशन जोड़ दिया, अपन ने एड जोड़ दिया, एड एड माने पर होता है, तो अपन ने एड जोड़ दिया। ठीक है तो इसमें अपन लोग अब देखिए एम क्या है यहाँ पर? वर्ब है हुए हो और प्रपोजिशन क्या है यहाँ पर? एट है, तो एम एट यानी एम माने लक्ष्य बनाना और एट माने पर, लक्ष्य बनाने पर, तो इस पूरे सेंटेंस को जो मीनिंग निकलता है अलग से वो वहां पर मीनिंग आएगी समथिंग। मतलब कि बहुत सी फील्ड में लोग मेहनत करते हैं, अब कौन सा व्यक्ति किस फील्ड में अपना लक्ष्य बना रहा है, लक्ष्य बनाने पर जो फील्ड में वो मेहनत कर रहा है ना, वो नियम आ जाएगा इसमें, है ना, कि एम एट
फॉर मीनिंग। ओके, अब देखिए सिक्स मैंने लिए अपन ने अटेंड, ए डबल टी ई एन डी, अटेंड, अटेंड मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना। अब देखिए अटेंड तो एक वर्ब है, यहाँ पर प्रीपोजिशन ले रहा है अपन को, तो अटेंड में अपन प्रीपोजिशन ले सकते हैं अपॉन। UPON अपॉन अपन ने ये प्रीपोजिशन ले लिया है, ठीक है। अब देखिए अपॉन मतलब की अटेंड अपॉन, अपोजिट टेंस का एक मीनिंग बनेगा, तो वो क्या कहलाया यहाँ पर, अ पर्सन। मतलब देखभाल कोई व्यक्ति करता है ना, तो देखभाल यानी कि अ पर्सन, एक व्यक्ति मतलब देखभाल कर रहा है यानी कि अटेंड। ओके, अ पर्सन, पर्सन एक व्यक्ति ही हो जाएगा। अब देखिए अपन सिमेंट में नहीं लिया अपन ने अबाइड, अबाइड मतलब क्या होता है, अवैध मतलब होता है ठहरना। अवैध मतलब होता है ठहरना। अब देखिए अवैध तो एक वर्ब हुई है यहाँ पर, और इसकी प्रीपोजिशन क्या होगी, इसकी प्रीपोजिशन मान लो अपन ने इन ले लिया, इन तो अबाइड इन, यानी कि इन मतलब मैं अंदर की ओर, मतलब मैं ठहर, अबाइड मतलब ठहरना, हो इन माने मैं यानी कि अंदर की ओर, और आउट माने बाहर, इन माने अंदर, तो पता है जैसे बोल दिया ना मैं आई कम इन सर, यानी कि मैं अंदर आ जाऊं, मैं आई गो सर, मैं बाहर चला जाऊं। इस सेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन माने अंदर, तो इन लगाते हैं आने, अंदर आने के लिए, और बाहर जाने के लिए आउट लगाते हैं, बाहर जाने के लिए। तो यानी कि तो ठहरना यानी अंदर ठहरना है, इस सेंटेंस को और लोग बना, मीनिंग बनाएंगे इसका, तो इसका मीनिंग बनेगा अ प्लेस, कोई एक स्थान है, मतलब कि कोई एक बंद हॉल है ना, वो स्थान नियम है कोई भी, तो वो आ जाएगा यहाँ पर मीनिंग में अ प्लेस। ओके, अब अपन ने एट मीनिंग ले लिया यहाँ पर अकाउंट, एट मीनिंग ले लिया यहाँ पर अपन ने अकाउंट। अब अकाउंट की मीनिंग देखिए यहाँ पर ए डबल सी ओ यू एन टी अकाउंट, अकाउंट माने क्या होता है, अकाउंट माने होता है उत्तरदायी, अकाउंट माने होता है उत्तरदायी। अकाउंट माने होता है उत्तरदायी। अपन ने अकाउंट तो क्या यहाँ पर वर्ब्स हो गई है ना, वर्ब हो गई है। अब अपन लोग को प्रीपोजिशन लेना है इसमें अकाउंट में, तो अपन लोग अकाउंट में प्रीपोजिशन मान लो फॉर ले लिया है ना, फॉर ले लिया है। अब अकाउंट फॉर, इसको पूरे सेंटेंस को पहले अपन लोग मीनिंग बनाएंगे, पहले इसकी मीनिंग मतलब कि अब फैट में निकलेगा, यहाँ पर फॉर लगा दिया, वहां पर मीनिंग जो अर्थ निकलेगा उसका, उसका अब फैट में आएगा अर्थ, F A C T, फैट। ओके, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर, आंसर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, सभी पता है कि आंसर हिंदी मीनिंग होता है उत्तर देना। उत्तर देना, अब आंसर में उत्तर देना में पढ़ने मान लो यहाँ पर पढ़ने में प्रीपोजिशन ले रहे हैं टू, अब आंसर मतलब होता है उत्तर देना, टू मतलब से, मतलब ये आंसर टू, आंसर टू यानी कि हिंदी में हो जाएगा उत्तर देने से। तो इस पूरे टेंस को, एक सेंटेंस को
मीनिंग पॉइंट बनेगा इसका अ पर्सन, मतलब कि जो व्यक्ति है वही तो आंसर देगा, मतलब कोई दीवार तो आंसर देगी नहीं, ना कोई गाड़ी आंसर देगी, है ना, मतलब नॉन लिविंग थिंग आंसर नहीं देगी ना, लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में वो भी व्यक्ति ज्यादातर आंसर देते हैं ना, तो अ पर्सन लिख दिया यहाँ पर। पर्सन ओके तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको एक बार फिर देखिए समझिए आंसरों से पहले। देखो यहाँ पर एडमिट है, एडमिट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, स्वीकार करना, है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर उसने यहाँ पर मान ली ऑफ ले लिया है, तो यहाँ पर एक्सक्यूज मीनिंग क्या बन गया, एक्सक्यूज। उसी प्रकार से करना है यहाँ पर एग्री, एग्री है। अब एग्री में यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया सहमत होना, हिंदी मीनिंग क्या हो गया एग्री का, सहमत होना। अब अपन ने यहाँ पर प्रिपोजिशन में मान लो विच ले लिया था अपन ने, तो मतलब कि एग्री विथ, उसका पूरा हिंदी मीन क्या हो जाएगा, अ पर्सन, जब कोई व्यक्ति सहमत हो रहा है ना तो अ पर्सन आ गया इसमें मीनिंग में। अब देखिए अब मतलब किसी व्यक्ति का अपन नेम ले सकते हैं इस सेंटेंस के आगे। अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो यहाँ पर एट ले लिया है। अब आप विकल्प प्लेस, एट मतलब क्या होता है, पर, मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जो मतलब कि एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा है, तो वो पहुंच गया है, यहाँ से वहां पहुंच गया है ना, तो वहां पर एट लगाते हैं, एट माने पर, पहुंचने पर, पहुंचने पर हिंदी में निकल रहा है ना, पहुंचने पर मतलब एट, इसलिए यहाँ पर एट प्रोपोजिशन लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब क्या होता है, राजी होना, तो राजी होना मतलब यहाँ पर अपन ने प्रपोजिशन ले लिया है, प्रपोजिशन विथ ले लिया है। अब देखिए अकॉर्ड विथ क्या हो गया, सेंटेंस बन गया है वर्ब और प्रपोजिशन को मिला के अकॉर्ड विथ। तो अब हमको आगे जो मीनिंग ऐड करनी है उसको अपन ने इसको समथिंग सेंटेंस यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है, जैसे कि समथिंग मतलब कि अपन लोग कुछ भी ले सकते हैं, राजी होने मतलब कोई भी उसका कोई भी कारण हो सकता है, किसी बात टॉपिक पे वो राजी हो गया है ना, इसी समथिंग मतलब कि यहाँ पर बहुत सी मीनिंग आ सकती है। आप देखिए यहाँ पर फिफ्थ हो गया है एम, एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य बनाना, तो यहाँ पर अपन ने प्रिपोजिशन ले लिया है एट, मतलब कि एट माने पर, तो एम पर लक्ष्य बनाने पर, यानी कि लक्ष्य बनाने पर, एम यानी लक्ष्य बनाने पर, ओके एम एट, तो इसका पूरा वर्ब और प्रपोजिशन मिला के ये सेंटेंस बनता है, तो वो क्या कहलाएगा, समथिंग, है ना कि लक्ष्य बनाने पर। अब वो किसी भी टॉपिक पे लक्ष्य बना रहा है, कोई पेंटिंग में लक्ष्य बना रहा है, कोई है ना मतलब कि फोटोग्राफी में लक्ष्य बना रहा है, कोई इंजीनियरिंग में लक्ष्य बना रहा है, यानी बहुत सी लाइनें हैं लक्ष्य बनाने की, तो यहाँ पर समथिंग ऐड कर दिया है, यहाँ पर समथिंग कर देना, जो उनसे मिले में समथिंग आ रही है ना, वहाँ पर मतलब कि बहुत सी ऑप्शन है जो अपन टॉपिक को यूज कर सकते हैं, वहाँ पर पॉइंट को लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक है मीनिंग अटेंड, अब देखिए अटेंड मतलब क्या होता है, देखभाल करना। अब देखिए आप यहाँ पर अटेंड किया हो, यहाँ पर वर्ब हो रही है, आप लोग प्रीपोजिशन में अपॉन का यूज कर रहे हैं, अपॉन, तो अब देखिए अटेंड अपॉन का पूरा सेंटेंस बना के एक मीनिंग बनेगी यहाँ पर, अ पर्सन मतलब देखभाल करना, व्यक्ति देखभाल करता है ना, तो व्यक्ति को इंग्लिश में पर्सन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइम से इसी ग्रामर में पर्सन लिखते हैं, ओके अ पर्सन, ओके। अब देखिए अबाइड, अबाइड मतलब क्या होता है, ठहरना, तो इन लगा दिया मतलब कि कोई इन मतलब होता है अंदर की ओर, तो मतलब कोई ठहर रहा है, यानी कि वो कोई हॉल में ठहर रहा है या कोई रेस्टोरेंट में ठहर रहा है या पर कोई होटल में ठहर रहा है, तो वहां पर प्लेस मतलब कि जहाँ पर वो ठहर रहा है वो वहां पर प्लेस पे मतलब कि कोई प्लेस का जगह का नाम है यहाँ पर वो ठहर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई मीनिंग में अब प्लेस आ गया है, ओके। अब देखिए अकाउंट, अकाउंट मतलब क्या होता है, उत्तरदायी, तो यहाँ पर फोर लगा दिया, उत्तरदायी अकाउंट फोर, तो एक फैक्ट है, क्या हो गया, एक फैक्ट है मतलब उत्तरदायी के लिए, उत्तरदायी मतलब अकाउंट फोर, तो यहाँ पर एक फैक्ट है ये, ठीक है। अब देखिए आंसर, आंसर मतलब क्या होता है, उत्तर देना, आंसर मतलब क्या होता है, उत्तर देना, तो
तो यहाँ अपन ने प्रपोजिशन क्या ले लिया, अपन ने टू ले लिया है। टू मतलब क्या होता है, से, उत्तर देने से। तो है ना, कोई व्यक्ति उत्तर देता है ना, कोई पर्सन उत्तर देता है ना, तो यहाँ पर पर्सन आ गया, अ पर्सन, मतलब कोई पर्सन उत्तर दे रहा है, व्यक्ति उत्तर दे रहा है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के पास हमारे चैनल को शेयर करें। और आप लोग को इस टॉपिक पर कोई भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो आप लोग की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।